हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में यूनिट 6 बताऊंगी थी, इसका चैप्टर का नाम है मुगल दरबार यानी कि इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो कहाँ बिताया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबर। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया तो कब किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, दिन ए इलाही संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर से। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसकी सामान में रखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सलीम चिश्ती के सामान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, जाजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1573 ईस्वी में स्थापित किया। 16 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए बैरम खां। नेक्स्ट, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा। नेक्स्ट 25 नंबर है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के समय में। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजिया किससे लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीमियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को लाख बकस की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल की असली नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था तो क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जकात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरा दुर्रा शब्द का अर्थ है तो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंदरूनी काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहां आरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।